हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। इस वर्ष 2021 में बसंत पंचमी 16 फरवरी को है। ये बसंत का पहला दिन है। बसंत ऋतु को सभी मौसमों में सबसे अच्छा माना जाता है। मंदिरों में, विशेषकर वृंदावन में, मायापुर में, जगन्नाथपुरी में और उडुपी में इस दिन भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों को पीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है। ये बहुत बड़ा उत्सव का समय है। वसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ये पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन आम तौर पर लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। ब्रज क्षेत्र में यह होली के रंगीन पर्व के आरंभ होने का समय है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों के फूल मानो सोने जैसे चमकने लगते हैं, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर मंजरी आ जाती है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, हर तरफ भौरे भौराने लगते हैं। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सृजना से वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा भी वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी यानी कि सरस्वती देवी कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं।
बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए ये कहा गया है कि यह परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी थी, जो कि आज तक जारी है। इस मौसम में विभिन्न आकारों और प्रकारों के रंगीन फूलों की विभिन्न किस्में पृथ्वी पर उगने लगती हैं। ईश्वर की सुंदर रचना की सुंदरता का आनंद लेने के लिए लोगों को प्राकृतिक स्थानों पर जाकर सुगंधित और बहुरंगी वातावरण का आनंद लेना चाहिए। इसी समय खेतों में फूल रही सरसों से खेत अटे पड़े रहते हैं। दूर दूर तक सरसों के पीले फूल बहुत मनमोहक लगते हैं। ये दिन और सुंदर तब हो जाता है जब भक्त पीले फूलों से राधा और कृष्ण को तैयार भव्य मालाएं अर्पित करते हैं, और उनका पीले फूलों की पंखुड़ियों और पीले रंग से अभिषेक करते हैं। माहौल की मिठास अपने चरम पर तब और बढ़ जाती है जब हर कोई भगवान का गुणगान करने के लिए मधुर मधुर गीत गाता है। बसंत पंचमी मनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। कहते हैं कि बसंत के दिन श्री राधा और श्री कृष्ण दिव्य रासलीला करते हैं और सभी का मन मोह लेते हैं। उसी स्मृति में आज भी ब्रज के बसंतोत्सव की धूम हर तरफ मची रहती है। श्री जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में एक रासलीला बताते हैं जो कि बसंत की रासलीला है। ये वही रासलीला है जो कृष्ण अपने भक्तों और गोपियों के साथ बसंत के मौसम में करते थे, और ये गोवर्धन पर्वत पर होती थी। इस रात का वर्णन ऐसा किया गया है कि बसंत पंचमी, जिसे बसंत का पहला दिन माना जाता है, जब फूल खिलने लगते हैं और पक्षी मधुर आवाज में गाना शुरू कर देते हैं, उस समय श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास एक स्थान पर जाते हैं, और चंद्रमा के स्वामी चंद्र अपने वंशज श्री कृष्ण को मनाने के लिए पूर्ण आकार चंद्रमा बन जाते हैं। अद्भुत लीला रात भर चलती है, और चंद्रमा ब्रह्मा की एक रात के लिए, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा की एक रात के लिए जो कई लाख युगों की है, गोवर्धन पहाड़ी के पास पूर्णिमा के रूप में उस लीला का आनंद लेते हैं, और इसलिए उस स्थान को चंद्र सरोवर कहा जाता है, जहां बसंत रास लीला हुआ करती थी। बसंत पंचमी का दिन अन्य कई कारणों से भी बहुत शुभ दिन है, और उनमें से एक कारण है कि इसी दिन मां विष्णुप्रिया देवी, जो श्री गौरांग महाप्रभु की पत्नी हैं, उनका जन्मदिन है, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु, श्री रघुनंदन ठाकुर प्रभु, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनके सहित कई महान वैष्णव इसी दिन अवतरित हुए थे। वृंदावन धाम में बसंत के समय धाम को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाता है, जैसे मोगरा, चमेली, बेला, जुई, विभिन्न सुगंधित फूल। श्रीमती राधा रानी और श्री श्याम सुंदर की खुशी के लिए पेड़ों पर सुशोभित होते रहते हैं। एक विशेष फूल है रात की रानी का, आप सब ने उसके बारे में सुना होगा। ये रात में खिलता है और रात को बहुत अच्छी खुशबू देता है, जो वृंदावन में बहुतायत में दिखाई देता है।
बसंत के समय में वृंदावन में श्री रसराज कृष्ण की अच्छी लीलाएं हैं जो बहुत ही मनमोहक हैं। उन्हें विशेष रूप से बसंत के मौसम में पीले रंग के कपड़े ही पहनाए जाते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका प्राकट्य दिवस भी बसंत पंचमी के दिन हुआ है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में मुकुटमणि के समान सुशोभित होते हैं और जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा प्राप्त की है। इसी दिन श्री गौरांग महाप्रभु के सानिध्य में माँ विष्णुप्रिया देवी का भी प्राकट्य दिवस है। वो श्री गौरांग महाप्रभु की शाश्वत साथी हैं, वो श्रीमती राधा रानी की अभिव्यक्ति हैं और श्री कृष्ण लीला में वो सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई हैं, जो राजा सत्यजीत की बेटी थी। सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से हुआ था और वे श्री कृष्ण की एक प्रमुख रानी थी। श्री कृष्ण लीला में जो राजा सत्यजीत थे, वही श्री गौर लीला में श्री सनातन मिश्र के रूप में प्रकट हुए। मां सत्यभामा ने सनातन मिश्र के घर में उनकी पुत्री विष्णुप्रिया देवी के रूप में दर्शन दिए। जब श्री गौरांग महाप्रभु ने संन्यास लेने का फैसला किया तो उन्होंने मां विष्णुप्रिया देवी को अपना विग्रह दिया। उन्होंने कहा कि जब भी वो उन्हें याद करेंगी, वो इस विग्रह के माध्यम से प्रकट हो जाएंगे और इस विग्रह के माध्यम से ही उनकी सारी सेवाएं भी स्वीकार करेंगे। ये विग्रह अत्यंत सुंदर है और दर्शन के लिए श्री नवदीप धाम में आज भी मौजूद है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस दिन प्रकट होकर इस संसार को धन्य किया। पानीहाटी में भगवान नित्यानंद की दया प्राप्त करने और उनके निर्देशों के अनुसार पानीहाटी चीड़ा दही उत्सव का आयोजन करने के बाद उन्होंने खुद को श्री क्षेत्र पुरी धाम में महाप्रभु के चरण कमलों में समर्पित कर दिया, जहां महाप्रभु ने उन्हें स्वरूप दामोदर की देखभाल करने के लिए रखा और जिनके मार्गदर्शन में रघुनाथ दास गोस्वामी ने सभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। पानीहाटी का चीड़ा दही उत्सव स्वयं में एक महान आयोजन है, जिसकी कथा की चर्चा आगे कभी किसी वीडियो में हम अवश्य करेंगे। महाप्रभु दया की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपनी निजी गिरिराज शिला को भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सेवा के लिए प्रदान किया था, जिनकी वे हमेशा पूजा करते थे, और एक गुंजा मन का हार जो महाप्रभु श्री राधा रानी के रूप में पूजा करते थे, वो भी उन्हें प्रदान किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सहयोगियों के अप्रकट होने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत दुख हुआ और वो जमुना में कूदकर या गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपना शरीर त्यागने के इरादे से श्री वृंदावन धाम पहुंच गए, जहां शील रूप और सनातन गोस्वामी ने उन्हें सांत्वना दी। तत्पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में निवास करने लगे। वे नियमित रूप से वृंदावन में अन्य गोस्वामियों के साथ जुड़कर भक्ति शास्त्र लिखा करते थे और हमेशा श्री कृष्ण के गुणगान में डूबे रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य हैं और उन्होंने पूरे वैष्णव भक्त समुदाय को महान साहित्य के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। बसंत पंचमी का ये शुभ दिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अप्रकट होने का दिन भी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शुद्ध भक्ति के प्रवाह से फिर से स्थापित करने वाले व्यक्तियों में से हैं, जो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास और श्यामानंद प्रभु के अप्रकट होने के बाद ऐसा लगता था कि मानो सुस्त सा पड़ गया है। ब्रज में रहते हुए उन्होंने कई टीकाओं और स्वयं की पुस्तकों के रूप में
गौड़ीय साहित्य के खजाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। कृष्ण भक्ति में उन्नति करने की आकांक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वैष्णव के लिए उनकी दया अत्यंत महत्वपूर्ण है। बसंत का ये उत्सव विभिन्न कारणों से बहुत महत्वशाली है। श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु का वैष्णवों के उद्धार के लिए अपने अनुयायियों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, हरे कृष्ण महामंत्र को ही कलयुग का तारणहार स्थापित करना और विभिन्न वैष्णव गुरुओं का गुरु परंपरा के माध्यम से लोक जागरण करना, हम जैसे पतित और बद्ध जीवों के लिए अमूल्य वरदान है। हमें वैष्णव मान्यताओं और मूल्यों के अनुसार अपने जीवन को भक्ति में समर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा का आनंद लेना चाहिए और शेष सभी उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel. And for getting updates, press the bell icon.